हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं सेहत की बात आशिकी के साथ। बात करते हैं टीनेज में होने वाले स्किन प्रॉब्लम्स की। टीनेज में शारीरिक बदलाव के साथ साथ हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, जिसका असर चेहरे की त्वचा और बालों पर भी पड़ता है, जिसमें प्रमुख समस्याएं ब्लैक हेड्स, एक्ने, स्पॉट और पिंपल्स भी हैं। इस उम्र में सबसे बड़ी परेशानी एक्ने से होने वाले दाग धब्बे होते हैं, क्योंकि एक्ने ठीक होने के बाद भी इनके निशान चेहरे से नहीं जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। बात करते हैं क्लिंजिंग की। ऑयली स्किन के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है क्लिंजिंग। इसके लिए किसी अच्छी कंपनी के क्लिंजर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो घर पर भी बने क्लिंजर का इस्तेमाल कर सकती हैं। चेहरे से क्लिंजर हटाने के लिए हमेशा सादे पानी का ही इस्तेमाल करें। चेहरे को दिन में 2 या 3 बार से अधिक न धुलें, क्योंकि ज़्यादा धुलने से चेहरे पर रूखापन आ जाता है। और चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। क्लीन करने के बाद कॉटन पर थोड़ा सा एस्ट्रीजेंट डालें और चेहरे को इससे अच्छे से पोंछ लें। इसके लिए गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल चेहरे के लिए टॉनिक का काम करता है। स्क्रब और डीप क्लिंजिंग करके ब्लैक हेड्स तो हटाया जा सकता है, लेकिन चेहरे पर जब पिंपल्स और रैसेज हों तो स्क्रब का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। मॉइस्चराइजिंग, त्वचा पर ऑयली मॉइस्चराइजर या नरिशिंग से बचें। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि त्वचा आपकी काफ़ी रूखी और सख्त हो चुकी है, तो लिक्विड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं हेयर केयर की। जिनके बाल बहुत ऑयली होते हैं, उन्हें हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धोना चाहिए। आप चाहे तो अपने बालों को रोज़ भी धो सकते हैं, क्योंकि बालों को रोज़ धोने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ख्याल रखें किसी अच्छे कंपनी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं तो अपने तकिए के कवर, कंघी आदि को गर्म पानी में ही धुलें। बालों और त्वचा की केयर के लिए अच्छी डाइट जरूरी है, इसलिए अपने डाइट में हमेशा हरी सब्जियां और सलाद शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं और कोशिश करें कि रोज़ाना गर्म पानी में नींबू के कुछ बूंदे डालकर पिएं। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एंड व्यूज़ को।